हे गाइस दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों आज का वीडियो है वीयू वर्सेस हाइसेंस टीवी के ऊपर। दोस्तों हाइसेंस कंपनी जो है अभी हाल ही में इंडिया में आई है और 6 अगस्त को, मतलब कि आज ही 6 अगस्त है, तो 6 अगस्त को लॉन्च कर दी टीवी हाइसेंस ने अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और टाटा क्लिक पे। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो जो हाइसेंस कंपनी है गाइज, ये ऑलरेडी अपने टीवी सेल करती है इंटरनेशनल यूएस यूके में, और ये अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने टीवीज़ को लेके, जहाँ पे सस्ते प्राइस में टीवीज़ लॉन्च की हाइसेंस ने। दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं, एक है फुल एचडी क्वालिटी में और एक है 4K अल्ट्रा एचडी क्वालिटी में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपने वीडियो पे, हम करें कंपेयर करेंगे वीडियो को वीयू वर्सेस हाइसेंस को लेके, जहाँ पे खासकर इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में हर महीने टीवीज़ आ रहे हैं तो लोग, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कंज्यूमर को, जो लोग टीवी बाय करते हैं सोचते हैं कि यार फिर से नई कंपनी आ गई स्मार्ट टीवीज़ लेके, तो अब हमारे लिए बेस्ट कौन सा होने वाला है। तो गाइस हम बात करेंगे अपनी वीडियो पे वीयू वर्सेस हाइसेंस स्मार्ट टीवी के बारे में, जहाँ पे वीयू का जो स्मार्ट टीवी वो है अल्ट्रा 4K एचडी स्मार्ट टीवी, वहीं अगर आप देख पा रहे हैं हाइसेंस का अल्ट्रा 4K एचडी स्मार्ट टीवी। तो गाइस हम बात करते हैं टीवी में अपने इस वीडियो पे कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, अगर मैं एज अ कस्टमर बाय करता हूं तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, हाइसेंस या वीयू। दोस्तों फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइस को लेके। गाइस जो प्राइस है उस पर काफ़ी डिफरेंस मिल रहा है हमें, जो वीयू का स्मार्ट टीवी इसका प्राइस है 25,990 रुपये, वहीं अगर बात करते हैं हाइसेंस टीवी की, यहाँ पर मिल रहा है 24,990 रुपये। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गाइस पूरा 1,000 रुपये का फ़र्क मिल रहा है आपको स्मार्ट टीवीज में। अगर नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं, हाइसेंस आपको ऑफर दे रहा है 5 साल की वारंटी दे रहा है पैनल की, जो काफ़ी अच्छी है। जहाँ पे अगर आप 9 अगस्त से पहले इसको बाय करते हैं हाइसेंस की टीवी को, यहाँ पे आपको वारंटी मिल रही है पैनल में 5 साल की। तो क्योंकि गाइस टीवी में जो पैनल होता है काफ़ी अच्छा होता है, जो काफ़ी मेन वर्क करता है, तो यहाँ पे आपको हाइसेंस 5 साल की वारंटी दे रही है। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं गाइस डिस्प्ले क्वालिटी की, जो सबसे मेन होता है टीवी में, यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी सेम है, काफ़ी सिमिलर है हाइसेंस की भी और वीडियो की। यहाँ पे आपको सिमिलर दोनों में सेम मिल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही मिलता है आपको 4K क्वालिटी मिल रही है आपको, यहाँ लिखा हुआ है अल्ट्रा 4K HD क्वालिटी मिलती है दोनों में ही, और डॉल्बी विजन हो गया, या बात करें HD 10 की टेक्नोलॉजी होगी, सब मिलता है आपको, जो ब्राइटनेस लेवल काफ़ी अच्छा मिल रहा है स्मार्ट टीवीज़ में। इसके अलावा अगर बात करते हैं ऑडियो स्पीकर की, दोनों में जो वोट है गाइस वो सेम ही है, 24 वोट्स का आपको मिल रहा है स्पीकर, जहाँ पे दोनों में सेम मिल रहा है, दोनों में ही मिलता है आपको डॉल्बी एटमोस का ऑप्शन, DTS का ऑप्शन मिलता है, तो ये भी सिमिलर ही है। अगर नेक्स्ट थिंग बात करते हैं मेमोरी की और रैम की, वो भी गाइस सेम ही है, 2 GB की रैम मिलती है और 16 GB की मेमोरी मिलती है दोनों स्मार्ट टीवीज़ में, वीयू में भी और हाइसेंस में भी। दोस्तों अगर बात करें बाकी HDMI पोर्ट्स हो गया, USB पोर्ट्स हो गया, उनका भी सिमिलर ही है, कुछ फ़र्क नहीं है। या बात करें गूगल सपोर्ट हो गया, वॉइस सपोर्ट हो गया, क्रोमकास्ट बिल्ड हो गया, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जितनी भी एप्लीकेशन है वो सब मिलेगी आपको वीयू में भी और हाइसेंस में भी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है फीचर्स को लेके। तो गाइस जो मेन फ़र्क था वो था प्राइस को लेके, यहाँ पे आपको 1,000 रुपये का फ़र्क मिल रहा है हाइसेंस में। अगर आप सोच रहे हैं एक सस्ता स्मार्ट टीवी लेने के लिए, यहाँ पे आपको हाइसेंस अच्छा स्मार्ट टीवी दे रही है कम प्राइस में, और उसके अलावा आपको एक अच्छा ऑफर दे रही है, 5 साल की वारंटी मिल रही है आपको स्मार्ट टीवीज़ में, जिसका पैनल में आपको मिल रही है वारंटी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी जो क्वालिटी मिल रही है, प्राइस भी काफ़ी कम है टीवी का, और काफ़ी अच्छा जो एक नया लुक आपको देखने मिलेगा हाइसेंस टीवी में। तो गाइस यहाँ पे अगर आप एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा होगा स्मार्ट टीवी, तो यहाँ पे गाइस हाइसेंस का स्मार्ट टीवी काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइसेंस की जो क्वालिटी है और प्राइस काफ़ी अच्छा है एज़ कंपेरिजन वीयू से। दोस्तों आपके कोई भी कमेंट्स है वीडियो को ले, इस टीवी को लेके, इस वीडियो को लेके गाइस डू कमेंट्स, आपके कोई भी क्वेश्चंस है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, किस साइज में आपको चाहिए स्मार्ट टीवी, गाइस डू कमेंट्स, मैं आपके लिए पक्का एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप प्रॉपर जो है चेक कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा स्मार्ट टीवी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने कमेंट्स से, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है टेक टू से लोकेश में गाइस सब्सक्राइब माय पेज, टिल टाइम जय हिंद।